हेलो गाइस, वेलकम बैक टू गैरेज ऑफिशियल। मेरे सामने है TVS की जेस्ट 110cc। ये है इसका डार्क एडिशन, ब्लैक कलर में जो देखने को मिलता है। इसके बारे में आपको एक ओवरऑल लुक्स आपको दे देता हूँ। जेस्ट 110 की बैजिंग आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी एंड इसका जो लुक है मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है। जैसे कि आप देखोगे इसमें आपको फ्रंट में हेलोजन लाइट्स देखने को मिल जाते हैं। आपको ये जो पेंट स्कीम दी गई है ये भी काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लग रही है। फ्रॉम द फ्रंट एंड इट लुक्स वेरी गुड। एंड आपको यहाँ देखोगे तो यहाँ पर अभी मिरर्स लगाने वाले हैं क्योंकि अभी ये यहाँ पर एज अ शोकेस रखा गया है। इधर आपको ETFI की बैजिंग देखने को मिल जाती है, इको थ्रस्ट की, एंड कैनो ब्लैक फिनिश आपको फ्रंट में देखने को मिल जाने वाला है। यहाँ पर आपको जेस्ट 10 की बैजिंग आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर आपको जो टर्न इंडिकेटर्स देखने को मिलते हैं ये आपको हेलोजन देखने को मिलते हैं एंड इसका ओवरऑल लुक आप कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आप नीचे देखोगे तो आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने को मिल जाएगा एंड आपको जो टायर्स दिए गए हैं ये 90x100 सेक्शन के और 10 इंचज़ के टायर्स देखने को मिलते हैं एंड ये ब्लेजर के टायर्स हैं जो काफ़ी अच्छा देखने को मिल जा रहा है। एक बार आपको साइड से इसका लुक दिखा देता हूँ। साइड से कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाती है। ये जो मैट कलर है वो बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम लग रहा है। TVS में जेस्ट में ये कलर मैंने फर्स्ट टाइम देखा है एंड ये कलर मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छा लग रहा है। जेस्ट 10-1 की बैजिंग यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर आपको ड्यूल टोन फिनिश में इसके सीट्स देखने को मिल जाएंगे। सीट्स भी काफ़ी लंबे हैं एंड काफ़ी वाइड है तो आपको बैठते वक्त इस पर काफ़ी अच्छा कम्फर्ट देखने को मिल जाएगा। एंड यहाँ पर आपको ग्रैबरल्स जो है वो सिल्वर फिनिश में आपको देखने को मिल जाते हैं। और यहाँ पर आपको इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिखा देता हूँ। तो ये समवॉट विंटेज स्टाइल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है। ये कम्प्लीटली एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है। यहाँ पर आपको टेल-टेल लाइट्स देखने को मिल जाएंगे एंड आपको यहाँ पर स्पीडोमीटर एंड किलोमीटर्स आपको यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा एंड यहाँ पर आपको फ्यूल गेज आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पर अगर आप इसके स्विच गियर्स को चेक करोगे तो स्विच गियर की क्वालिटी भी काफ़ी डिसेंट तरफ मुझे देखने को मिल गई है एंड यहाँ पर आपको हॉर्न, टर्न इंडिकेटर्स एंड आपको सेल्फ स्टार्ट देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आपको यूटिलिटी के हिसाब से भी काफ़ी अच्छा काम किया गया है तो यहाँ पर आपको स्पेस काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाती है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो आप आराम से फ़ोन, वॉलेट, ये सारी चीज़ें यहाँ पर रख सकते हो एंड यहाँ पर आपको आप चाबी लगाओगे। एक बार आपको मैं इसका पीछे से लुक दिखा देता हूँ। ये E20 वेरिएंट वाली गाड़ी है जो अभी नहीं आ रही है। यहाँ पर आपको इसके टेल लाइट्स एंड टर्न इंडिकेटर्स देखने को मिल जाएंगे। इसका डिज़ाइन भी काफ़ी अच्छा दिया गया है फ्रॉम द बैक एंड एंड यहाँ पर आपको टर्न इंडिकेटर्स हैलोजन देखने को मिलते हैं। और ये रहा इसका पीछे से लुक। ये इसका एडजस्टेबल सस्पेंशन यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर आपको फुट पैक्स भी काफ़ी अच्छे देखने को मिलते हैं जो आपको मैट फिनिश में दिया गया है एंड ये 110cc की स्कूटर है जिसका पावर लगभग 7 BHP के आसपास है। जहाँ तक इसकी माइलेज की बात की जाए तो ये गाड़ी आपको लगभग 45-48 के बीच में माइलेज दे देती है। तो इन सिटी कंडीशन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 42-43 मिल जाएगी। जैसे ही हाईवे पे शूट अप करोगे तो लगभग 50 के आसपास भी ये माइलेज दे देती है। और ये गाड़ी का लुक मुझे पर्सनली बहुत ही अच्छा लगा है। आपको कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ये डार्क वेरिएंट जो है ब्लैक कलर के साथ में आता है एंड जेस्ट में ये लुक काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। पियानो ब्लैक फिनिश की वजह से ये प्रीमियमनेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दे रही है। इसकी जो ऑन रोड प्राइस है वो मैं आपको डिस्प्ले पे डाल देता हूँ सो दैट हर सिटी में प्राइसिंग अलग होती है। इसका प्राइस है 93,000 ऑन रोड मुंबई में। तो आपको इसका ओवरऑल लुक कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा एंड ये गाड़ी आपको कैसी लग रही है वो भी बताइएगा। इसका जो कंपटीशन है वो है, बहुत सारी गाड़ी आती है इस सेगमेंट में बट इसकी इन हाउस ही TVS की जुपिटर आती है जो 110cc की है। बट आपका बजट उतना नहीं जाता है तो आप जेस्ट 110 को डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हो। इसका लुक काफ़ी प्रीमियम है, माइलेज वाइज भी काफ़ी अच्छी है एंड काफ़ी हल्की गाड़ी होने की वजह से आप इससे चला सकते हो बहुत ईजीली। इसका रोड प्रेजेंस भी काफ़ी बढ़िया आपको देखने को मिल जाएगा। तो आपको ये कैसी लग रही है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए टेक केयर, राइड सेफ़।